अभी थोड़ी सी बात ये करनी थी, मतलब घर आ गए थे उसके बाद आज मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा किश्तों में बना रही हूँ आजकल, जो आपकी वीडियोज़ है ना एक साथ नहीं बनाती, तो छोटे छोटे ब्लॉग ले लेती हूँ, उसको फिर बाद में मैं कंबाइन करती हूँ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पर जाके, वो सारा आपने देखा होगा वीडियो में, और ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, खुद के लिए भी लेकर आई हूँ, ठीक है। तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, देखिए कभी भी आप कहीं भी देखिए, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके ईस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाया कीजिए और सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, कीजिए जो भी आपको चाहिए लाइफ में, यू विल डेफिनेटली गेट इट, वेदर इट इज़ एग्जाम वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, जस्ट पे एंड यू विल गेट इट, ठीक है। बट विद हार्ड वर्क, ये भी ध्यान रखना है कि साथ में मेहनत ज़रूर होनी चाहिए, ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के रोज़ भगवान को रिश्वत देने पहुँच जाओ थ्री इडियट्स की तरह, और फिर बोलो कि हाँ पास हो जाए, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। पढ़ना भी अच्छे से और बढ़िया तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। अच्छा, एक मैं अपने लिए सिपर लेके आई थी जिम के लिए, तो ये इसमें कुछ बहुत ही अच्छा लिखा था, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू, मुझे लगा आपको भी मैं दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्रंट कैम से शूट कर रही हूँ, तो आपको बिल्कुल मिरर की तरह अपोजिट दिख रहा होगा, है ना, तो अपोजिट दिख रहा होगा। मैं ये आपको पढ़ के सुना देती हूँ उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि फिर से बच्चे कह रहे थे मैम मोटिवेशन की बहुत कमी हो रही है। देखिए, आई नो हार्ड टाइम इज़ गोइंग ऑन, आई वेरी वेल नो दैट यार कोविड ख़त्म ही होने पे नहीं आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, स्पेशली जो कॉलेज वाले लर्नर्स हैं, अभी मैं आपको बता रही हूँ बेचारे इतने परेशान हो गए, आज भी क्लास में मुझे कहते मैडम हमारी तो ग्रेजुएशन जो है घर बैठे बैठे ही निकल जाएगी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे सपने होते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहना, सारी चीज़ें करना, वो आपके नहीं हो पा रहे, बट इट्स ओके,
ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड कि इतने हार्ड टाइम के अंदर भी हमारी फैमिली जो है बिल्कुल ठीक है। तो यार इतने इतने केसेस आपको पता है कोविड पॉजिटिव और उनकी बेचारों की डेथ भी हो चुकी है ना, तो जस्ट थैंकफुल टू गॉड कि आपके घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड। ओके, तो इस बात का शुक्र कीजिए रदर देन कंप्लेनिंग सो मच। ओके, अच्छा एक बात जो इस पे लिखी हुई है, ठीक है आपको तो दिखेगी नहीं, मैं पढ़ा देती हूँ आपको। अ लिटल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स, ठीक है। तो मतलब इसका साफ है कि लिटल लिटल छोटे छोटे आप एफर्ट्स डालते जाइए डालते जाइए, है ना, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट मिलने वाला है क्वालिफाइड ऑफ फॉर नेट जे आर नाउ यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी, तो वो आपको एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएगा।